नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ता, आलू सूजी बड़ा। तो आइए जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बॉयल आलू। ये 250 ग्राम आलू है और इसे हमने उबाल लिया है। इसे हम छोटे छोटे पीस कर देंगे ताकि इसे मिक्सी में पीसने में आसानी हो। इसी तरह से हम छोटे छोटे पीस कर देंगे आलू को, सभी आलू को। अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस आलू को ही डालेंगे और इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारा ग्राइंड हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बहुत ही परफेक्ट है। इसमें हम पानी भी नहीं डाले हैं, कुछ भी नहीं डाले हैं, बस सिर्फ आलू ही है, बॉयल आलू। अब इसे हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से प्लेट में। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बच्चे बड़ों सभी को पसंद है ये। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 कप जितना सूजी रवा। ये मोटी या पतली कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इससे पहले हम चम्मच से मिक्स कर ले रहे हैं और इसे अब हम हाथों से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि बड़ा हमारा काफ़ी फूले फूले बने। अब इसमें हम डाल दे रही हूँ 1 बारीक कटे हुए प्याज, हरा धनिया कटे हुए, और इसमें चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसमें ओरिगेनो के जगह में काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं कटे हुए। तब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डाल रहे हैं और इसे अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ना दाल फुलाने का टेंशन, ना चावल फुलाने का टेंशन, और ये बहुत जल्दी 10 मिनट में बनके हो जाता है रेडी। अब इसमें 1 चम्मच भर के हम बड़े चम्मच से हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल ताकि बड़ा हमारा क्रिस्पी बने और हाथों में भी चिपके ना। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर 1 बड़े चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं, उतना ही ऐड करें जितना कि हम हाथ में इस तरह से छूने पे ये चिपके ना। अगर आपके हाथ में चिपक रहे हो तो आप इसमें और थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर के जगह में आप इसे में अरारोट भी ऐड कर सकते हैं। अब हाथों में तेल लगा के इस तरह से हम गर्मा गर्म तेल में हम इसे डाल देंगे फ्राई होने। जितना हमारा तेल है उतना ही हम इसमें बड़ा को फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये रिफाइंड ऑयल है जिसमें हम इसे फ्राई कर रहे हैं। अब इसे हम पलट लेंगे। एक साइड हमारा फ्राई हो गया, देखिए कलर चेंज हो गया है। तो है ना ये आसान बनाना, तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो में वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को शेयर करें। तो हमारा बड़ा आलू सूजी बड़ा हो गया है बन के रेडी और इसे हम सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं गर्मा गर्म। ये काफ़ी क्रिस्पी बना है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी टेस्टी भी बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।